कलेक्टर महोदय ने जाकर 2 किलोमीटर की रोड स्वीकृत करवाई थी, आज के दिनांक तक वो रोड स्वीकृत नहीं हुई। हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, जिला पंचायत सीओ 5 दिन से इनके द्वारा बिहेव भी उल्टे सीधे तरीके से किया जाता है। इनके द्वारा तो अजीब अजीब टाइप की बातें की जाती है। जिला पंचायत सदस्यों को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है। जिला पंचायत सदस्यों के निर्माण कार्य स्वीकृत करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। जिला पंचायत सदस्यों के निर्माण कार्य स्वीकृत करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। जिला बचाओ, जिला बचाओ, सीओ हटाओ, जिला बचाओ, जिला बचाओ, जिला बचाओ, सीओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शहडोल जिले के जिला पंचायत के सीओ के खिलाफ जिला पंचायत के सदस्य धरने पर बैठ गए हैं। सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। सदस्यों का आरोप है कि सीओ द्वारा 5 मार्च से जिला पंचायत की बैठक नहीं बुलाई जाती, सदस्यों को अपमानित किया जाता है, निर्माण कार्यों के प्रस्तावों की कोई स्वीकृति नहीं दी जाती। सदस्यों का कहना है कि अगर सदस्यों की बात नहीं सुनी गई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग सब जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य हैं और चुनाव हुए 21 महीना हो चुका है, लेकिन जिला पंचायत सदस्यों को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है, जिनके माध्यम से जिला पंचायत से ही पूरे पंचायतों का संचालन होना चाहिए। तो जब से हम लोग जीत करके आए हैं, आज तक किसी प्रकार से, चाहे वो सम्मान की बात हो, चाहे काम की बात हो, चाहे फोन उठाने की बात हो, किसी प्रकार से जिला पंचायत सदस्यों का सुना नहीं जाता और ना ही कोई काम होता है। हम लोग तो शुरू से ही परेशान है। इसके पहले हिमांशु चंद्र जी भी रहे हैं, उनके द्वारा भी जिला पंचायत के सदस्यों का कोई सम्मान नहीं होता था, उनके कोई काम नहीं होते थे, उनके फोन नहीं उठाए जाते थे। अब जब से ये 5 महीना हो गया है, श्री राजेश जैन जी जब से आए हैं और जिला सीओ का प्रभार यहाँ पर संभाले हैं, तो इनके द्वारा तो अजीब अजीब टाइप की बातें की जाती है। इनके द्वारा बिहेव भी उल्टे सीधे तरीके से किया जाता है, हमारे सदस्यों का अपमान भी किया जाता है। हमारे एक राजेश बैगा है जो बैगा समाज की जनजाति से आते हैं, उनको तो यहाँ तक कहा गया है कि क्या आप दारू पीते हैं, इस तरीके से सदस्यों का अपमान होता है। जिला पंचायत के सदस्य 1 लाख जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और जनता लगातार सवेरे से रात तक हमारे सदस्यों के बीच आती है, उनको अपना काम बताती है, और जब काम बताएगी तो स्वाभाविक है जिला सीओ हो, जनपद सीओ हो, अधिकारी कर्मचारीगढ़ हो, ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम जनता के काम के लिए उनसे संवाद करें, उनसे बात करें। और शासन ने जो नियम बनाए हैं उनके तहत अधिकारी लोगों से हम लोग काम कराने के लिए जनता ने हमको यहाँ पर चुन के भेजा है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि सीओ एक भी फोन किसी का नहीं उठा रहे हैं। अभी 1 हफ्ते से डेली 20-20 फोन मैं लगा रहा हूँ, हमारे उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्यगण, सभी लोग लगातार उनको फोन लगा रहे हैं, लेकिन उनने किसी का फोन रिसीव नहीं किया। अपने इल्जाम लगाए पूर्व में अधिकारी थे जी, उनके द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाता है, अभी दूसरे आ गए, उनके दोनों का विरोध क्यों कर रहे हैं? उनके तरफ से तो कुछ कम ऐसा हो रहा था, काम तो हो रहे थे लेकिन उनके तरफ से कुछ कम ऐसा हो रहा था, लेकिन जब से ये आए हैं इनका तो बात करने का तरीका ही अलग है। आज कुछ और बोलेंगे, दूसरा दिन कुछ और बोलेंगे। मैंने उनसे एक बार संवाद किया कि सर आप कम से कम फोन तो उठा ले, 4 दिन से मैं फोन लगा रहा हूँ, आप फोन नहीं उठा रहे हैं। तो उनका कहना था नहीं उठाऊंगा, क्यों उठाऊं? मैं बोला सर कैसी बात कर रहे हैं? तो उनका कहना है कि मेरा गुरु मर गया, मेरी आत्मा मर गई, मैं जी के क्या करूंगा, मैं काम करके क्या करूं। मतलब अजीब अजीब बिहेवियर उनके। क्या चाहते हैं आप लोग अभी? हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि सदस्यों का जो मांग है कि हर काम में एक तरफ से आप देखेंगे, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, चाहे सचिव को हटाना हो, चाहे इंजीनियर को हटाना हो, जब मन पड़ता है किसी प्रकार के जिला पंचायत के सभा से न तो अनुमोदन होता है, न तो उनकी कोई बात मानी जाती है, अपनी मनमर्जी से अपने हिसाब से जहां जैसा सचिव बैठाना है, जहां जैसा इंजीनियर पोस्टिंग करना है, जहां जैसा एसडीओ पोस्टिंग करना है, सब कुछ अपने मनमर्जी के मुताबिक होता है। और हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि त्रिस्तरीय पंचायत का मतलब क्या है? हम लोग 1 लाख जनता से चुन करके आए हैं तो हमारा महत्व तो क्या है? जब हमारा कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, तो हमारा जिला पंचायत रहने का मतलब? जिला बचाओ, जिला बचाओ, सीओ हटाओ, जिला बचाओ, जिला बचाओ, जिला बचाओ, सीओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, जिला पंचायत सीओ 5 दिन से, मतलब कई दिन से, लेकिन 5 दिन से हम लगातार ऑफिस आए हैं, बैठते हैं 11 बजे 7 बजे तक, न किसी का फोन उठा रहे हैं। सभी सदस्य हमारे कम से कम 10-10 बार 20-20 बार फोन लगा चुके हैं, किसी का फोन नहीं उठाते, न मिलने के लिए तैयार होते हैं। इससे पहले भी आपने कुछ सीओ के बारे में कहा, पहले जो किए थे, अब फिर सीओ के बारे में इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक करेंगे आंदोलन, चाहे कोई भी सीओ हो। आप जिला पंचायत अध्यक्ष कहाँ हैं? वो नहीं आई हैं, हम लगाई थी फोन लेकिन नहीं आई हैं। क्या बोले वो? बोले कि आऊंगी फिर नहीं आई हैं। उनको भी कुछ दिक्कत है क्या? दिक्कत उनसे अब आती नहीं है तो है ही है।
हमारे क्षेत्र में अभी जो पूर्व में विधानसभा का चुनाव हुआ था, हमारा ग्राम पंचायत एक देवरी है, वहाँ पे कलेक्टर मैडम जाके और एक रोड को स्वीकृत करवाई थी, वहाँ उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था। वहाँ कलेक्टर महोदय ने जाकर 2 किलोमीटर की रोड स्वीकृत करवाई थी, आज के दिनांक तक वो रोड स्वीकृत नहीं हुई। अब बताइए, लोकसभा चुनाव है, आगे लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कोई निहाय सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग दिन सुबह से आके वहाँ 120 किलोमीटर दूर से आते हैं हम लोग, और दिन भर बैठे रहते हैं और शाम को फिर घर चले जाते हैं। अध्यक्ष को फोन किया गया था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाई है, संभवतः कुछ देर से आ भी सकती है। शेड्यूल से जुगल किशोर मिश्रा की खास रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।